डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्लास टेंथ के इंग्लिश पोएट्री का लेसन टू द साम ऑफ लाइफ के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द साम ऑफ लाइफ, साम, देखिए इसमें पी और एल साइलेंट रहेगा, हम पढ़ेंगे इसको साम। द साम ऑफ लाइफ यानी जीवन के भजन। इसको कंपोज किए हैं अर्थात इसके कवि हैं एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो जी इस पोयम के कवि हैं। तो इस पोयम में एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो जी उन लोगों को सलाह देते हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं, उन लोगों को सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप लोगों को मन लगाकर अपने काम को करना चाहिए, बिना किसी फल प्राप्ति की इच्छा किए हुए अपने काम को मन लगाकर करना चाहिए। बिकॉज वर्क इज वर्शिप, कहा गया है कार्य ही पूजा है। तो ध्यान रहे, हमें अपने कार्य को मन लगाकर करने के लिए यह एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो जी निर्देशित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर लाइफ इज रियल। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, उसके बाद इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखिए, लाइफ का मतलब जीवन होता है, रियल का मतलब वास्तविक, वास्तविक लाइफ का मतलब जीवन, अर्नेस्ट का मतलब गंभीर, अर्नेस्ट का मतलब गंभीर, ग्रेव, ग्रेव का मतलब कब्र होता है, गोल का मतलब उद्देश्य या लक्ष्य, डस्ट का मतलब मिट्टी होता है, या दाऊ है, दाऊ का मतलब तू होता है, दाऊ का मतलब तू, लेकिन हम, दाऊ का मतलब तू होता है, लेकिन हम इसमें मानव शरीर से लेंगे, इसमें किससे लेंगे, मानव शरीर से लेंगे, ध्यान रहे इस बात का। आर्ट का मतलब बनाना जो होता है, आर्ट कला जो होती है आकृति बनाना, वही कहा गया। डस्ट, डस्ट का मतलब धूल, पता ही है वही मिट्टी या धूल। रिटर्नेस्ट, रिटर्न का मतलब वापस आना, रिटर्न का मतलब वापस आना, रिटर्न का मतलब वापस आना। इज नॉट स्पोकन, स्पोकन का मतलब बोला गया या कहा गया, स्पोक, स्पीक का थर्ड फॉर्म है स्पोकन, स्पीक मतलब बोलना, उसी का थर्ड फॉर्म है बोला गया या कहा गया। सोल, सोल का मतलब आत्मा होता है, सोल का मतलब आत्मा होता है। तो चलिए देखते हैं, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और केवल कब्र में चले जाना ही, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और केवल कब्र में चले जाना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाऊ आर्ट, मानव शरीर या मनुष्य की शरीर मिट्टी का बना है, मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाना है, और मनुष्य के शरीर को मिट्टी में ही मिल जाना है। कहने का मतलब है कि मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना है और मरने के बाद उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉयल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, यह बात जो है आत्मा के लिए नहीं कहा गया, क्यों, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, इसलिए यह बात आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। एक बार और देखते हैं,
लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और केवल कब्र में चले जाना ही इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना हुआ है, टू डस्ट रिटर्न नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोयल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है या नहीं कहा गया है। नॉट इंजॉयमेंट, आप देखेंगे इंजॉयमेंट का मतलब आनंद होता है, आनंद। सारों का मतलब दुख, सारों का मतलब दुख। डिस्टेंड का मतलब भाग्य में लिखा गया, डिस्टेंड का मतलब भाग्य में लिखा गया। एंड का मतलब अंतिम या समाप्त। वे का मतलब मार्ग या रास्ता। एक्ट, एक्ट का मतलब कार्य होता है। ईच का मतलब प्रत्येक। टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला कल। फाइंड्स का मतलब प्राप्त करना होता है। फर्दर का मतलब आगे होता है। टुडे का मतलब आज। तो देखिए, शुरू करते हैं। अब देखिए, नॉट इंजॉयमेंट, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टेंट इंड आर वे, दोनों का अर्थ एक में बताया जाएगा। आनंद और दुख, आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। ध्यान रहे, बट टू एक्ट, बल्कि हमें कार्य करना चाहिए। बट टू एक्ट, बल्कि हमें कार्य करना चाहिए। दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर दैट टुडे, ताकि हमारा आने वाला प्रत्येक कल आज से अच्छा हो। एक बार और देखते हैं। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टेंट एंड आर वे, आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। बट टू एक्ट, बल्कि हमें कार्य करना चाहिए। दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर दैट टुडे, ताकि हमारा आने वाला प्रत्येक कल आज से अच्छा हो। तो अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स का मतलब, वर्ल्ड का मतलब संसार होता है। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब विस्तृत या विशाल, विस्तृत या विशाल या बड़ा कह सकते हैं। फील्ड का मतलब क्षेत्र होता है, मैदान होता है। बैटल, बैटल का मतलब युद्ध। इन द विवेक, विवेक का मतलब अस्थाई पड़ाव, अस्थाई पड़ाव। डंब का मतलब गूंगा। ड्राइवन कैटल का मतलब भगाए गए पशु, भगाए गए पशु, भगाए गए पशु। हीरो, हीरो का मतलब वीर। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब मुसीबत। बी का मतलब जो है बनना होता है। लाइक का मतलब की तरह होता है। तो चलिए देखते हैं इसका। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड
फील्ड ऑफ बैटल, इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र रूपी संसार में, इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र रूपी संसार में, इन द विवेक ऑफ लाइफ, हमारा जीवन एक अस्थाई पड़ाव के समान है। इन द विवेक ऑफ लाइफ, हमारा जीवन एक अस्थाई पड़ाव के समान है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइविंग कैटल, गूंगे और भगाए गए पशुओं की तरह मत बनो, गूंगे और भगाए गए पशुओं की तरह मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि मुसीबत के समय एक वीर बनो, बल्कि मुसीबत के समय में एक वीर बनो। एक बार और देखते हैं, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र रूपी संसार में, इन द विवेक ऑफ लाइफ, हमारा जीवन एक अस्थाई पड़ाव के समान है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइविंग कैटल, गूंगे और भगाए गए पशुओं की तरह मत बनो। बी ए हीरो इन स्ट्राइफ, बल्कि मुसीबत के समय में एक वीर बनो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस का मतलब चलो, डूइंग का मतलब कार्य करना, विथ अ हर्ट, विथ अ हर्ट का मतलब मन लगाकर, फॉर एनी फेट मतलब बिना किसी फल की इच्छा से, बिना किसी फल की इच्छा से। स्टिल का मतलब हमेशा, अचीव का मतलब प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना। परस्यू का मतलब पीछा करना, लर्न का मतलब सीखना, लर्न का मतलब सीखना। लेबर का मतलब परिश्रम करना, वेट का मतलब प्रतीक्षा, लेकिन टू वेट है, बिना किसी फल के इच्छा से कहेंगे, ध्यान रहे। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, चलो बिना किसी फल के इच्छा से, चलो बिना किसी फल की इच्छा किए हुए मन लगाकर अपना कार्य करें, चलो बिना किसी फल की इच्छा किए हुए मन लगाकर अपना कार्य करें। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, यदि हम हमेशा अपने उद्देश्य का पीछा करते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर हासिल करते रहेंगे, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और बिना किसी फल प्राप्ति के, और बिना किसी फल की इच्छा किए हुए परिश्रम करना सीखो, लर्न का मतलब सीखो। एक बार और देखते हैं, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, चलो बिना किसी फल की इच्छा किए हुए मन लगाकर अपना कार्य करें। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, यदि हम
अपने उद्देश्य का पीछा करते रहेंगे, यदि हम हमेशा स्टिल मतलब हमेशा, यदि हम हमेशा अपने उद्देश्य का पीछा करते रहेंगे स्टिल अचीविंग, तो कुछ ना कुछ जरूर हासिल करते रहेंगे। अचीव का मतलब प्राप्त करना, हासिल करना। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और बिना किसी फल की इच्छा किए हुए परिश्रम करना सीखो। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन वाले बटन को अवश्य दबाइए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।